हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको रिव्यू चेक करने लेके आई है पीरियड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो हमेशा की तरह। सो गाइस, आज करने वाले हैं लॉयल्टी टेस्ट मेरी दोस्त के बंदे पे नहीं, हस्बैंड पे करने वाले हैं। तो यार आपको बता दूं, बहुत दिनों से वो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा था, बातें हो रही है हमारी उसको चेक करने के लिए। ये एक हफ्ते से प्रोसेस चल रहा है, एक हफ्ते से उसको फंसाने का कि बंदा बात करता है मुझसे, मुझसे मिलने आता है नहीं आता। तो अभी क्या है कि 3 दिन से इंस्टाग्राम पे लगातार बात होती है कॉल। तो उसने रात को नंबर भी मेरे से व्हाट्सएप पे नंबर भी ले लिया और व्हाट्सएप पे भी बात कर रहा है और मीटिंग भी फिक्स कर दिया है। तो यार मैंने उसको डिनाई नहीं किया क्योंकि यार मेरी जो दोस्त है उसका हस्बैंड है और लॉयल्टी टेस्ट करना है। अब यार दोस्त का साथ ही देगा तो कौन देगा। तो इसलिए आज उसको मैंने मिलने बुलाया जस्ट उसको चेक करने के लिए कि उसकी इंटेंशन क्या है मुझे लेकर। वैसे तो यार आपको पता ही है, अगर लड़की से बंदा घर पे मिलने आ रहा है तो इंटेंशन क्या है क्या नहीं है। बट फिर भी एक बार ना चेक कर लेते हैं, अपनी तरफ से कंफर्मेशन हो जाएगा। जिसने साथ दिया है मेरा कृतिका ने, आज उसकी जिंदगी देखते हैं यार बचेगी या फिर क्या होने वाला है, डिवोर्स होगा, जो भी होगा ये आपको वीडियो में चलकर ही पता चलेगा। तो एक काम करते हैं यार, बंदे को फोन लगाते हैं, कहाँ पहुंच गया बंदा, ठीक है। लाइव लोकेशन मैं सेंड कर चुकी हूँ। बता दो, सिर्फ 3 ही महीने हुए अभी शादी को, सिर्फ 3 महीने। हेलो, हाय, कहाँ पे हो तुम? मैं यहीं पे लाइव लोकेशन भेज दिया। आपको कितनी देर लग जाएगी लाइव लोकेशन पे आने पे? बस 5 मिनट मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए ना, उसके ना 10 मिनट का ही वॉकिंग है बस। ठीक है, सामने ना मदर डेयरी है, उसके सामने वाला ही घर है, ठीक है, और सेकंड फ्लोर है। लाइव लोकेशन भेज दे, आप आ जाओगे कर रहे हैं। हाँ, मैं वही चेक करूंगा। चलो ठीक है, ओके। तो यार बंदे को मैंने मिलने बुला लिया, बहुत मुश्किल से बंदे को मिलने बुलाया। आज देखते क्या होता है वीडियो में, आप वेट करो 5 से 10 या 15 मिनट जितने भी लगते हैं, देखते वीडियो में क्या होता है, ठीक है। यार बंदा आ चुका है, तो एक काम करते हैं जाके दरवाजा खोलते हैं, और मैं तो पहली बार मिल रही हूँ, देखते। हाय, कैसे हो? बढ़िया एकदम। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी यार तुम मिलने आओगे मुझसे। यार ऐसे कैसे उम्मीद। हैव अ सीट प्लीज। और बताओ सब कैसा चल रहा है, यहाँ के बैठो ना आराम से, वहाँ का चले गए इतनी दूर। कैसी बात कर रहे हो, पास होने के लिए आए हो? पास होने के लिए आए हो, अच्छा पहली मीटिंग में पास भी होना तुम्हें? वो नहीं है तो क्या है। और बताओ, पानी पियो यार, इतनी दूर से आए हो, और कोई समस्या कोई तकलीफ तो नहीं हो या घर तक पहुंचने में? बिल्कुल भी नहीं है ना? तो सही है, बढ़िया है। तुम कैसे? मैं एकदम बढ़िया हूँ यार, बस ना मुझे तो लग ही रहा था तुम आओगे। पता है तुम्हारी फिक्चर्स देखी ना मैंने, मतलब मैंने कहा 3 दिन बंदे को बात करे हुए मुझसे, और इसने रात को मुझे व्हाट्सएप पे नंबर भी दे दिया कि व्हाट्सएप पे मेरे को मतलब मेरे से बात करो, मतलब अनएक्सपेक्टेड था इतनी जल्दी। बड़े एडवांस हो वैसे तुम, जल्दी करना ही पड़ता ना, छोड़ के सकता हूँ। लड़कियां तो बहुत है तुम्हारे जीवन में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच बताऊं तो मैंने आज तक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई, तुम फर्स्ट हो। मैं मतलब देखो, मैंने अभी ऐसा नहीं बोला मैं गर्लफ्रेंड बनूंगी, मैंने जस्ट एज अ फ्रेंड बात करी है। तुम्हें एक फर्स्ट हो जिसको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। अच्छा, मैं इतनी जल्दी किसी को देता नहीं। आज मैंने ऑफ रख रखा था, शूट वूट नहीं कर रहे थे हम लोग, तुम्हें पता है मैं प्रिंट शूट्स करती हूँ, तो ऑफ रख रखा था। मैंने कहा घर ही बुला लेती हूँ, फिर कहा बाहर मिलेगी यार, धूप बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। तो और बताओ क्या चल रहा है, सब मजे में? सब बढ़िया है। सच बताओ तुम्हारी कोई बंदी नहीं आता, तुम इतने हैंडसम दिखते हो, मतलब कोई कमी नहीं है सर से लेकर पांव तक, पर कोई बंदी नहीं है। हां मजाक छड़ी, कोई नहीं है, मींस मैंने कभी इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया है। कभी ध्यान नहीं दिया बंदी पे? तो मतलब किस पे ध्यान दिया तुमने? जिस पे ध्यान दिया तो मिल गई ना। अच्छा ऐसा नहीं है, देखो गलत मत लेना, मैं जस्ट एज अ फ्रेंड तुम्हें घर पे मिलने बुलाया, ये मत सोचना ना कि लड़की ने अगर घर पे बुला लिया ना तो कुछ इंटेंशन उसकी ऐसी है। नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूं, बस तुमसे मिलने आया हूं, सोचा मिल लूं तुमसे एक बार, यहां हमारी जैसे बात हुई थी, इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी, देख लूँ कैसी है, देख लूँ कैसी है, अच्छी होगी तो बात करूंगा, हाँ। और नहीं हुई तो छोड़ दूंगा। मैं करता नहीं जल्दी, पता है तुम ना मतलब बाय फेस ऐसे लगते हो बहुत मैच्योर हो, मतलब ऐसे लगते हो जैसे शादीशुदा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? मैं हाँ ऐसे लगता है शादीशुदा हो। कहाँ से लगता हूँ मैं मैच्योर हूँ? मतलब बाय फेस जैसे वो होता है ना कि मैच्योरिटी आ जाती है, या तो शायद हो सकता है मैच्योरिटी जल्दी आ गई हो तुम्हारे फेस पे, ये हो सकता है। समझदार जल्दी हो गए हो तुम, है ना? हाँ, समझदार तो मैं ऐसे पहले से था। चलो फिर ठीक है, समझदार तो तुम बहुत ही हो। हाँ। ऐसी बात नहीं है, जरूरी भी होना आज के समय पे समझदार, है ना? बिल्कुल होना जरूरी है। सच में मतलब तुम्हारी कोई बंदी बंदी कुछ नहीं, वाइफ बंदी कुछ भी नहीं है? देखो वाइफ तो कैसे होगी अगर तुम कह रहे हो बंदी नहीं होगी, बंदी नहीं तो वाइफ कैसे होगी, ये बताओ तुम। भरोसा कैसे दिलाओ? भरोसा चेक कर सकते हो, मैं तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, सिंगल वन भी नहीं लगता, पूरा फोन क्लियर करके आए हो, है ना?
अरे नहीं मीन्स मैंने बताया तो मैं कभी ध्यान नहीं दिया इन सब चीजों पे। पेरेंट्स पे ध्यान दिया क्या तुमने? संस्कारी लड़के काम भी बहुत थे पता है, काम भी जॉब वॉब इन सब चीजों में मैं रहूं हमेशा, फिर मैं सोचा थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो आराम से बैठो यार, शूज उतार दो, आराम से ऊपर बैठो, आओ ना। और बताओ क्या चल रहा है फिर? सब बढ़िया चल, मजे में सब बढ़िया। और बताओ फैमिली में क्या उनका नया तुम्हारे, सब बताओ अपने बारे में, कुछ बताओगे तभी तो कुछ आगे बात बढ़ेगी। मैं हूँ, मेरा भाई है और पापा है, बस पापा है बस। छोटी सी फैमिली है ना? छोटी सी फैमिली है। देख लो कहीं एक दो बच्चे और झूठ बोल रहे हो मुझे। नहीं 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 नहीं, छोटी सी फैमिली बस। वैसे तुम ना फर्स्ट ऐसे इंसान हो जिसको, मतलब ये मेरा ऑफिस है जिसको मैंने लाइक अपने रूम पे बुलाया है, पहले ऐसे बंदे हो तुम। और तुम भी पहले लड़की जिससे मैं मिलने था, जिससे तुम मिलने आए हो। सच में सच्ची सही है। और बताओ फिर क्या चल रहा है? सब बड़े वैसे मजे। थैंक यू सो मच। पहली बार ही तो देखा है, आज कैसे अच्छी लग सकती हूँ? मैंने ऐसे बताया, पिक्चर्स देखी होगी, पिक्चर्स। अब ये वाला घर की सब पिसा डायलॉग मत मानना कि जो तुम्हारी पिक्चर्स देखे ना उससे तुम वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ये मारा नहीं ना, तुम ऐसे भी हो। थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए, थैंक यू। तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन है? मेरी फैमिली में मम्मा पापा भाई बहन, बस दो भाई है मेरे, दो सिस्टर्स है और एक मैं। हाँ यही पास में रहता है, ये मेरा ऑफिस है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग कभी करने हो ना लाइक पिक्चर्स वगैरह शूट्स करने हो तब कर लेते हैं, वरना तो यहाँ पे आती नहीं मैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। अच्छा। और मजे में? मजे में। पर्सनल लाइफ के बारे में? बस यही है लाइफ यार, शूट्स करती हूँ, प्रिंट शूट्स करती हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, ठीक है बस। हाँ और कोई लड़का नहीं है लेकिन जिंदगी में, वही तो कह रहा हूँ, मैं भी तो बचपन से ही निकलता रहा काम काम काम, अब निकाला है मेरा टाइम। और बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मतलब घर पे सब कैसे है, सब बढ़िया है? पता है तो मैंने, सब बढ़िया है। पापा बस अब तो एक बहू का एंजॉय करते हैं। अच्छा, पापा बहू का इंतजार कर रहे हैं? बचपन में तो बिजी हो तो काम वाम के चक्कर में मैंने कभी याद नहीं किया। सही है, चलो तुम बताओ। बस यार यही है, घर वालों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि अच्छा काम करती रहे लड़की, है ना, लोगों की सच्चाइयां सामने लाती रहे। अच्छा, मतलब तुम्हें पता है मैं ऐसे तो मजाक करती रहती हूँ, ऐसे मतलब सीरियस मत लेना। मजाक है ना? पक्का मजाक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। डरा रहे हो मुझे? नहीं नहीं, डर क्यों रहे हो? चोर मतलब, तो चोर कभी, डरते होते हैं, एक नॉर्मल इंसान तो कभी नहीं डरता। तुम क्यों, तुम चोरी थोड़ा करके आए हो या घर पे कोई, घर पे क्या पता तुम्हारी कोई हो, मतलब बहू क्या पता पहले से आ रही हो पापा। अरे हो गया, मैं मजाक करती हूँ, जस्ट किडिंग यार, मजाक करती रहती हूँ। और बताओ फिर क्या चल रहा है? सब बढ़िया, सब बढ़िया। हाथ पे हाथ भी रख लिया, बहुत सही है। अरे मेरा, अरे यार मतलब अब ये बोलोगे कि मेरी रिंग काफी अच्छी लग रही है, मेरे हाथ बहुत चिकने लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, है ना? हाँ, है ना? और मैंने, ठीक है, थैंक यू सो मच। और बताओ मजे में? सब बढ़िया। तुमने बताया नहीं अपनी पर्सनल लाइफ और कुछ? यही है बस, शूट्स एंड ऑल, घर पे सो सारा दिन। लड़का ढूंढ रहे हो? लड़के नहीं ढूंढ रही मैं, लड़का ढूंढ रही हूँ एक अच्छा सा। हाँ वही लड़का? अच्छा, शादी के लिए डायरेक्ट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे भी पसंद नहीं, सच बताऊं तो। वैसे भी कर ही लेनी चाहिए, तुम बता ना, मैं मैच्योर लगता हूं। मैच्योर लगते हो? हां अच्छा, मतलब शादी पे आ गए सीधा? शादी पे नहीं आया बाबा, तुम तो मुझे एकदम पता नहीं क्यों शक कर रहे हो, शक कर रहे हो तुम? शक नहीं कर रही, पता लग रहा था बाई फेस की बंदा ऐसे मैरिड लुक में लग रहा है कि जैसे शादीशुदा है वो। चलो हाथ तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मजे में? या तुम्हें ना एक बंदी से मिलवाना था मेरे को। हाँ, बहुत बहुत सेक्सी बंदी है, एक मिनट में बुलाती हूँ। मैं मन नहीं कर रहा, अभी हम ही दूर रहते हैं। अरे एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, वो तुम्हारी पिक्चर्स देख के पागल हो गई। पर जोत क्या है वैसे? मेरी जोत क्या अभी चीज की? अभी जरूरत तो है, बहुत ज्यादा जरूरत है, एक बार मिल तो लो। अच्छा मैं दोस्ती भी दोस्ती, दोस्तों से भी दोस्ती हो जाएगी ना। हेलो कृतिका, यार वो ना नीचे है ना तू? हाँ मैं तब से वेट ही कर रही हूँ। ऊपर आ जा फिर, तेरी बंदे की तेरी सच्चाई सारी सामने दिखाती हूँ मैं। आ रही हूँ। ये कृतिका? कृतिका, तुम कृतिका के नाम से इतना शॉक्ड क्यों गए? मतलब तुमको मैं प्रैंक करती रहती हूँ, बता तो रही हूँ, मैं मजाक करती रहती हूँ, तुम्हारा कोई वो तो नहीं है कृतिका? कोई बंदी बंदी थोड़ा है? नहीं ना, फिर डर क्यों रहे हो यार? कृतिका के नाम से तुम्हारी कोई बंदी है तुम जानते पहचानते हो? नहीं ना, फिर क्यों डर रहे हो यार? एकदम आ जाओ, गेट खुला है। इसको जानते होगे? आओ पास में, ये तुम्हारी वाइफ है, चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ है। पता है मेरी वाइफ है? तुम्हारी वाइफ है, पता है ना? तो इधर क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं मतलब मैं इधर ये कर रहा है कि ये अभी मेरे हाथ पे हाथ रख रहा था, एंड इसने मुझसे व्हाट्सएप पे रात को बात करी, सारी चीजें करी, और अब ये बोल रहा है कि, ये भी बोल दो मैं अपनी बंदी को नहीं जानता, मैं अपनी वाइफ को नहीं जानता, ये भी बोल दो।
तुम इसकी बेबी उसकी बात पे भरोसा मत करो। मैंने मेरी फ्रेंड है, मैं उसे पहले से जानती हूं। पता है ये तुम्हारी फ्रेंड है, मैं बस वही तुम्हें मिलने आया था। अरे तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो बस मैं मिलने आया था तुम्हारी फ्रेंड से। तो तुम अकेले क्यों मिल रहे हो मेरी फ्रेंड से? अभी तुम यहाँ पे रिलेशनशिप की बातें कर रहे हो, अभी तुम बोल रहे हो मैरिड नहीं हो, एंड अब तुम बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? तुम इसकी बात पे भरोसा मत करो, ठीक है? अभी तुम उसके हाथ पकड़ के बैठे हो। अरे नहीं बाबा, तुमने कब देखा मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कटलिंग कर रहे हो, देन हाथ पकड़ के। नहीं बाबा, मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी जस्ट उसने तुम्हारे फेस पे बोला। मैं खुद अभी तुम्हें कॉल करने वाला था, मुझे तुम्हारे दोस्त से मैं तुमसे मिला। मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ। कितना झूठा इंसान है ना, कितना झूठा इंसान है। सामने ना क्या चुप रहे वो। तुम चलो मेरे साथ। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। 3 महीने शिट यार, छी शेम ऑन यू। क्या मैरिज के बाद भी तुम ये हरकतें कर रहे हो? लव मैरिज हुई है तुम्हारी? 3 महीने पहले लव मैरिज हुई है? तुम अपनी वाइफ को कुछ नहीं रख सकते तो छोड़ देते ना यार। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ। आप क्यों बोल रहे हो ये सब? आप बोल रहे हो कि अब ये मेरी फ्रेंड है। यार मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। एक बार सुनोगे? नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा है ही नहीं। क्या वैसा नहीं है? तुम्हारा फोन एनी टाइम बिजी आना तुम्हारा घर के बाहर। यार मैं सच बताऊं, ये खुद मुझे फंसा रही थी। अच्छा, मैं फंसा रही थी? फंसा रही थी मुझे, तुम्हें पता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। सिर्फ ये लोग सामने वाले हमें ब्लेम ना कर देना, इसीलिए हम लोग कैमरा लगा के रखते हैं। और सामने कैमरा लगाया, यूट्यूब पे चैनल है मेरा। इसने ही बोला था कि लॉयल्टी टेस्ट करनी है, लेकिन जिसमें तुम बिल्कुल बिल्कुल 0% फेल हो चुके हो। ऑलरेडी प्लानिंग थी, जो मेरी फ्रेंड है मैंने इसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज। इस बंदे ने बोला मैं मैरिड नहीं हूँ, मेरी कोई वाइफ नहीं है, मैंने आज तक कोई बंदी नहीं, मतलब बंदी से बात नहीं करी है, मैं किसी से मिलने नहीं गया। कितने झूठ बोले यार। तुम चुप रहोगे यार 2 मिनट? मैं क्यों चुप रहूं? झूठ क्यों बोल रहे हो? जो जैसा दिखाना चाह रही हो वैसा मैं बिल्कुल नहीं आया, तुम्हें पता है। तब भी तुम यार ये बात भरोसा करो बेबी। तुम इमोशनल मत हो, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है? सामने कैमरा लगा हुआ है और ये यूट्यूब पे वीडियो भी जाएगी, समझ आ रही है? शर्म नहीं आती अपनी वाइफ को धोखा देते हुए? आज तक तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सुने थे, लेकिन तुम तो वाइफ को ही धोखा दे रहे हो, और वो भी लव मैरिज। 3 महीने हुए शादी को। तुम लोगों का मतलब कैसे टेस्ट चेंज होता रहता है क्या? 1 महीना इसको रखना है, 1 महीना इसको रखना है। कितनी बहू लाना चाहते हो घर पे? मत करते, अभी तो 3 महीने हुए थे बस। यार तुम एक बार मेरी बात समझो, घर चलो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सारी बात। शिट यार, तुम इसकी बात पे भरोसा करो। आप डिसाइड कर लो कि आपको घर जाना है या फिर खत्म करना है सब कुछ। यार वहाँ पे हम सारी बात क्लियर करेंगे ना, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? नहीं हो गया, जब तुम किसी भी लड़की के साथ तुम्हें यार यहाँ पर आ गए हो, तुम उसके साथ बैठे हुए हो, उसके साथ कडलिंग कर रहे हो। मेरी बात समझो। नहीं, ये मुझे फंसा रही थी, मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ, इसीलिए कैमरा लगा हुआ है ताकि मुझ पे कल को कोई दोष ना आए कि मैं फंसा रही थी। सामने कैमरा लगा हुआ है, सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई है। तुम कितने सच्चे हो, कितने पानी में हो, कितने दूध के धुले हो, सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है? आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। मुझे नहीं जाना, सीरियसली मुझे नहीं जाना। नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे रहना ही नहीं है। और अभी क्या, अभी मैं तुम्हारे लिए डिवोर्स फाइल कर दूंगी। यार इतनी जल्दी? एक बार बात तो करते हैं घर जाके। क्लियर हो गया, मेरे पास प्रूफ भी है। ऐसे कैसे क्लियर हो गया? अभी ज्यादा बात भी नहीं, मतलब कुछ भी तुम एक बार क्लियर तो करे। आए ही क्यों? अगर तुम उससे प्यार करते तो तुमने इससे बातें क्यों करी इतनी सारी? और तुम बातें करिए, मैं और कुछ आगे नहीं बढ़ाऊँ, सिर्फ बातें करिए। वही मैं बातें करिए, और झूठ तो बोला है ना कि मेरी कोई वाइफ नहीं है, मेरी कोई बंदी नहीं है, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। मैंने कहा मेरी जीएफ नहीं है, वाइफ तो है। वाइफ भी बोला तुमने, सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया है। वो पब्लिक बता देगी कमेंट करके कितने झूठे हो तुम। और तुम मुझसे रिलेशनशिप की बातें कर रहे थे? मुझे नहीं। Please. आप एक काम करो, सामने का गेट खुला है, मतलब मेरी बात सुनो, सारी बातें खत्म कर लेनी है। आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ से जा सकते हो, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है ना, इसलिए सामने का गेट खुला है, आप जा सकते हो। बहुत इज्जत से बोल रही हूँ मैं आपको। लायक तो नहीं हो आप इज्जत के, लेकिन सामने गेट खुला है, फिर भी आप जा सकते हो। मैं लायक नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। प्लीज आप जा सकते हो, सामने गेट खुला है। गेट लॉस्ट? नहीं, गेट लॉस्ट। शेम ऑन यू। मैं नीचे हूं। शेम ऑन यू। नीचे नहीं आएगी वो। कोई बात नहीं यार, होता है, पता है रिलेशनशिप एंड कर सकते हैं, लेकिन एक शादी का रिश्ता ना बहुत बड़ा रिश्ता है, तो प्लीज़ ये सब करना बंद करो। जितने लड़के सब करते हैं सभी बदनाम हो जाते हैं, सब हर कोई लड़के को ना लोग इसी नियत से देखते हैं कि लड़का ऐसा ही होगा। मत करो यार ये सब किसी की ज़िंदगी, प्लीज़ मत रो यार, मत रो। देखो मेरे को सिर्फ आप मेरे को पता था कि आपको हर्ट होगा, मैं नहीं करना चाहती थी, आपने फोर्स किया था ना लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए। प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़, बहुत ट्रस्ट कर रहा था, बहुत। इट्स ओके, प्लीज़ डोंट क्राई, कम।
ये ना लाइफ का पार्ट है, कोई बात नहीं यार, बट आपको जो आपका जो डिसीजन है वो आप डिसाइड कर लेना, कोई फोर्स नहीं है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करना, ठीक है? पर आपने ही फोर्स किया था लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए, इसलिए मैंने किया, और मुझे पता था 100% कि बंदा कैसा है कैसा नहीं, वो फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप पे ही पता लग गया था मुझे, ठीक है? बट आपका ही कॉल था कि करना है मुझे लॉयल्टी टेस्ट, जिसमें वो फेल हो चुका है। मुझे लग रहा था ये सारी हरकतें, फोन बिजी आना, घर पे ना रहना, सब कुछ पता चलता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, आपने मेरी हेल्प करी, मुझे पता चल गया किस टाइप का इंसान है। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते मुझे पता नहीं चलता, और मेरे साथ पता नहीं इन्होंने कितनी बारी ऐसा करा होगा इस आदमी ने। वो तो असलियत अभी सामने आई है। थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो यार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी मतलब मूड में ही नहीं हूँ मैं कुछ बोलने के, कि एक लाइक बहुत प्यार करती थी यार उससे, समझ रहे हो ना? तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और ऐसे लोगों से प्लीज़ एक मैसेज है, ऐसे लोगों से दूर रहो। अंधाधुंध भरोसा करना बहुत ही गलत चीज़ है, ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट रॉन्ग है, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बता देना अपना बेस्ट पार्ट। बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेगी, इनको हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त है, दोस्ती निभानी तो पड़ेगी यार। लव यू ऑल।